भयंकर परी आई है। वो जरूर हमें भयंकर परी से बचाने के लिए आई है। हाँ जरूर, और बालवीर भी पीछे आता ही होगा। हाँ लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो भयंकर परी। मेरा मतलब है खुश रहो रानी परी। आप भी इन सब परियों की तरह मुझे यहां देखकर चौंक गए कि क्यों मैं खुद अपनी दुश्मन के पास आई। लेकिन मैं यहां अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक नए मित्र के पास आई। हां भयंकर परी, मैं अपने दिल से आपको रानी परी मानकर यहां आई। आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा करने के लिए परीलोक में रहने की आज्ञा दीजिए। नटखट परी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने दुश्मन का साथ दे रही हो? हमारी तो मजबूरी है भयंकर परी को रानी परी मानना, पर आपकी क्या मजबूरी है? मैं मजबूर हुई तुम सब परियों के कारण, तुम्हारी हमारी अच्छाई और भलाई के कारण। मैं तुम सबसे बार बार कहती रही कि भयंकर परी हमें धोखा दे, लेकिन तुम सबने सच्चाई और भलाई का वास्ता देकर मुझे चुप करा दिया। और फिर क्या हुआ? भयंकर परी और उनकी बुराई जीत गई। तो फिर तुम ही बताओ क्या फायदा ऐसी सच्चाई और अच्छाई का जिसके कारण हमें अपना सब कुछ खोना पड़े। इसलिए अब मैंने भी अच्छाई से और बालवीर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। आप क्या कह रही हैं? और अब मैं भयंकर परी का साथ देना चाहती हूं, हमारी नई रानी परी का। और मैं तो कहती हूं कि अब तुम सब भी इन्हें अपनी रानी परी मान। हम आपके जैसे कभी नहीं हो सकते नटखट परी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे लिए तो आज से भयंकर परी ही मेरी रानी परी है। रानी परी, मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपा करके मुझे अपना लीजिए और अपना वफादार साथी बनने का मौका दीजिए। वाह महल, देख कितना खूबसूरत है महल। हाँ पर कितने ऊंचाई पर ये? वो तो है महल, लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई परियों की पार्टी चल रही है। हाँ और वो पार्टी शायद बालवी ने हम दोनों के लिए रखी होगी। हाँ चल चलते हैं। हाँ चलो ऊपर चलते। तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है नटखट, मगर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ये सब कुछ दिल से कह रही हो और मेरी ही चाल मुझ पर नहीं चल रही? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं रानी परी जो आपकी चाल आप पर ही चले। लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर यकीन दिलाने के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। परीक्षाएं तो मैंने भी बहुत सारी पार की हैं, धोखे से। तो फिर आप ही बताइए मेरी वफादारी पर यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक तरीका है, अरे मैं ये सब खत्म ही नहीं हो रहे। अरे हो जाएंगे। अरे मैं रुक जा। अरे बालवीर से आधा परितारा कोई छीन कर लेकर आए ये तो मुमकिन नहीं है, पर वो खुद यहां उस आधे हिस्से के साथ आए
ऐसी योजना है मेरे पास। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मुझे बालवीर की कमजोरी पर वार करना है और बालवीर की कमजोरी है पृथ्वी लोक के बच्चे, उनमें से सबसे प्रिय है मानव और मेहर। तो बालवीर खुद परितारा लेकर यहां आए, उसके लिए मुझे मानव और मेहर यहां परिलोक में चाहिए। बोलो, ला सकती हो उन दोनों को मेरे पास? गुड नाइट बच्चों। नाइट नाइट गुड नाइट गुड नाइट बच्चों। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं कुत्ता है। नहीं है, नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं है, नहीं है। है नहीं, है नहीं। अरे नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ठीक है, अरे इसका मतलब है कि हमने कहा था ना कि यहाँ कोई डॉगी वॉगी नहीं है। लेकिन मेहर, एक मिनट अब चेक कर लो। नहीं जान दे, छोड़ दे। नहीं नहीं पापा चेक कर लो। अरे जाने दे भाई। नहीं अब चेक करो। कर लेता हूँ। अरे पापा आपको हम पर इतना भी विश्वास नहीं है? अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चों पर मुझे बहुत विश्वास है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? नहीं मिला। आपको पता कैसे चला कि पापा को मिला नहीं? वैसे आपको क्या पता नहीं चला? वो बाबूजी का चश्मा, उन्होंने कहा वो टेबल के नीचे, मैं अभी देखता हूँ। हाँ, अभी देखता हूँ। देखा, मिला। मैंने कहा था ना यहाँ है। मिला। बाबूजी का चश्मा मिल गया। चश्मा मिला। देखो पापा, आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं बच्चों, बच्चे, I'm sorry। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा विश्वास है। गुड नाइट। आज आपका राज्याभिषेक था भयंकर परी। आज आप भयंकर परी से रानी परी बन गई। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी नई रानी परी से मिलने के लिए खाली हाथ आऊंगी? मुझे पता था आप मुझसे मेरी वफादारी का सबूत जरूर मांगेंगी। इसलिए पीछे मुड़कर देखिए रानी परी, मैं आपके लिए क्या तोहफा लाई। मानव सारी परियां, लेकिन हम इनके बिना बुलाए यहाँ आ गए, कहीं हमसे नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, परियां बहुत अच्छी होती है। चल उनके पास चलते हैं। मानव मैं, मानव मैं। आओ हमारे पास आओ। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। शांत
शाबाश नटखट परी, आज तुमने हमारे राज्याभिषेक की शोभा बढ़ा दी। आप रानी परी हो ना? हाँ, हमें इस परीलोक की रानी परी है। हम हमेशा आपके बारे में बालवीर से बातें करते हैं। हाँ, हम कब से आपसे मिलना चाहते थे? मैं भी कब से आप दोनों से मिलना चाहती थी, कब से इंतजार कर रही थी कि कोई तुम दोनों को यहाँ लेकर आए, और लो तुम आ गए। हम बहुत खुश हैं आपसे मिलकर। मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। मैं है मानव, तुम दोनों का परीलोक में स्वागत है। चुलबुली तितली, चुलबुली तितली, क्या आपने दो बच्चे यहाँ पर देखे हैं? उसमें से एक मेहर थी जो पहले भी मेरे साथ परीलोक आ चुकी है। देखिए, आपने उन्हें झरना पार करवाया था, तो वो लोग गए कहाँ? क्या वो लोग रानी महल की तरफ गए? पर रानी महल में तो भयंकर परी होगी, मुझे उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा, कहीं वो मुझसे पहले भयंकर परी को ना दिखले। चुलबुली तितली, क्या इस बार सिर्फ जन्ना ही नहीं, अब मुझे रानी महल तक पहुंचा सकती है? शुक्रिया चुलबुली तितली। तो प्लान ये है। सॉरी अंकल, मैं तो मानो मेरे को ढूंढने नहीं आया था, मैं तो यहाँ से पास हो रहा था। सॉरी अंकल। बस आप उल्लू लग रहे हो। क्या आप उल्लू हो क्या? अरे बॉस, इसका मतलब है कि आप रात में उल्लू की तरह जाग सकते हो और सब देख भी सकते हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उल्लू हूँ। लेकिन बॉस, हम लोग आपकी तरह उल्लू नहीं है। अरे बॉस, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आपकी तरह उल्लू नहीं है, तो प्लीज हमें ये बताइए कि आप हमें यहाँ मानव मेरे के घर पे क्यों लाए हो? क्या मस्त सो रहा था मैं, कितने अच्छे सपने देख रहा था मैं कि आप हमारे साथ हो और हम पीट रहे मुझे। हाँ क्या? मतलब मानव और मेहर को पीट रहे हैं। तुम दोनों सो कैसे सकते हो पता नहीं, पर मैं सोच सोच कर परेशान हो गया कि आखिर में मानव और मेहर थे कहाँ। कोई नहीं, कि बालवीर जी तो उन्हें उस कब्र से बाहर निकाल कर नहीं लेके गए ना, बस इसलिए हमें अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा कि मानव मेरे घर के अंदर है या नहीं। हम अंदर नहीं जा सकते बॉस। क्यों? क्योंकि बॉस, हम शरीफ घर के लड़के। मैं नहीं हूँ। नहीं, आपके घर वाले शरीफ है लेकिन आप शरीफ नहीं हो। क्या? अरे बॉस, इतनी रात में किसी के घर पे चोरी चोरी जाना हमें शोभा नहीं देता। ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर पहरा दो, मैं खिड़की से अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि मानव मेरे घर पे है या नहीं। कोई माने या ना माने, मैं मानता हूँ घर में कुत्ता है। ये सोच सोच के मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया है, आइसक्रीम ही ऐसी चीज है जो मेरे दिमाग को ठंडा कर सकती है। Shh!
महेश, घर में सब लोग सो रहे हैं, जरा धीरे धीरे। मैं कुछ ज्यादा ही धीरे बोल रहा हूँ। कौन है? ये करेक्ट है। मैंने कहा था घर में कुत्ता है, कोई मानने की तैयार नहीं। कहाँ गया? अभी आवाज तो सुनाई दी थी ना। यार क्या हो रहा है? माँ, कभी मुझे कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, कभी कोई अलग अलग आवाज सुनाई देती है। ये आइसक्रीम भी गिर गया यार, आज का दिन ही खराब है, दूसरा आइसक्रीम लेने जाना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है रानी परी। अभी तुम दोनों ने सब कुछ देखा ही कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा, और बालवीर भी आएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम दोनों यहाँ आए हो तो बालवीर को तो आना ही पड़ेगा। पक्का ना रानी परी? हम दोनों उसे काफी देर से बुला रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मेरे पास हो ना, अब हम तीनों मिलकर बुलाएंगे तो उसे आना ही पड़ेगा। और अब तो उसे परी तारा का आधा हिस्सा लेकर आना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों आराम से बैठो, अभी तो बहुत खातिरदारी करनी है मुझे तुम्हारी, वरना बालवीर क्या कहेगा कि हमारे मेहमान आए और आपने उनका ख्याल भी नहीं रखा। थैंक यू रानी परी। तुम्हारी ये हिम्मत, तो रानी परी को फेंक दो। फेंक दो नहीं, थैंक यू, मतलब शुक्रिया। शुक्रिया तो बालवीर का करना चाहिए और नटखट परी का करना चाहिए जो तुम दोनों को यहाँ लेकर आई हैं। अरे नहीं, नटखट परी ने नहीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुम्हें बालवीर ने निमंत्रण दिया था तभी तुम परीलोक आए। आप खुश? परियां हो या बच्चे, मैं तो जो भी करूं सबको कम ही लगता है। आप नाराज मत हो नटखट परी, हमारा वो मतलब नहीं था। हाँ, आप भी बहुत अच्छी है। बच्चों तुम दोनों आराम। बच्चों अब तुम दोनों जाओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। ऐ चलो, जाते जाते करो सलाम अपनी नई रानी परी को। चलो खुश रहो रानी परी। खुश रहो परी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.